हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा रियलमी 12 प्रो फ़ोन है, तो रियलमी 12 प्रो फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में ऑप्शंस आता है कि आप कैसे अपने फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर कैसे अपने फ़ोन में अलार्म्स को बंद कैसे कर सकते हैं और कैसे अपने फ़ोन में अलार्म हटा सकते हैं रियलमी 12 प्रो फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर। तो आज हम बताने वाले हैं कि अलार्म कैसे बंद कर सकते हैं और कैसे अलार्म को हटा सकते हैं रियलमी 12 प्रो फ़ोन में, तो बताने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाने ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि फ़ोन के आइकन्स हैं, शो हो रहे हैं, तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही वाला आइकन्स ओपन हो जाएंगे। सिंपली आप सेटिंग्स पे क्लिक करते हैं और क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स ओपन हो जाएगी। तो अलार्म आप कैसे सेट कर सकते हैं और कैसे अपने फ़ोन में अलार्म को फ़ोन में लगा सकते हैं, तो सिंपली सेटिंग शो हो रही है, तो देख सकते हैं सेटिंग शो हो रही है। तो आपको इस पे जाना है, बैक करके यहाँ से क्लॉक सेटिंग्स पे, जहाँ से अलार्म को बंद कर सकते हैं। जैसे आपने कोई भी अलार्म अपने फ़ोन में सेट कर रखा है, आपके फ़ोन में अलार्म लगा हुआ है, तो उसको कैसे हटा पाएंगे फ़ोन में, तो आप देख सकते हैं कि सिंपली जैसे हमारे पास ये सेटिंग्स है, इसमें हमारे पास ये 2 PM एंड 9 PM का अलार्म सेट है, तो इसको ऑफ करना चाहते हैं या हटाना चाहते हैं, हटा सकते हैं। ऑफ़ कर देंगे तो अलार्म आपके फ़ोन में बंद हो जाएगा, यहाँ से बंद कर सकते हैं। या फिर अलार्म को हटाना चाहते हैं तो सिंपली इस पर क्लिक करते हैं, तो यहाँ से अलार्म टाइमिंग को डिलीट भी कर सकते हैं। जैसे कोई भी टाइमिंग या अलार्म की डिलीट करना चाहते हैं, तो यहाँ से डिलीट का ऑप्शन आ रहा है, तो इसके जरिए अलार्म को आप इस तरीके से डिलीट करके हटा सकते हैं। कुछ इस तरीके से अलार्म को हटा पाएंगे, तो इस तरीके से भी अलार्म को हटा सकते हैं और बंद कर सकते हैं। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें, वीडियोस को शेयर करें। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी तो